इन दिनों सोलापुर कृषि उपज मंडी समिति में प्याज की भारी आवक देखी जा रही है। पिछले 3-4 सीजन में सोलापुर में प्याज की अच्छी कीमत मिली है। मंडी में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से प्याज आ रही है। प्याज की भारी आवक के कारण किसानों के बारे में बिना विचार किए मंडी बंद कर दी जा रही है। इससे किसान काफी नाराज है। उनका आरोप है कि मंडी प्रबंधन मनमानी कर रहा है। समिति का कहना है कि रिकॉर्ड आवक के बाद नीलामी की गई प्याज को लेने में समय लगता है, इसलिए मंडी बंद करनी पड़ रही है। दूसरी ओर इस फैसले को किसान विरोधी बताते हुए इसके खिलाफ महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन का कहना है कि बाजार समिति ने प्याज की आवक का हवाला देते हुए मंडी बंद कर दी है, फिर 2 दिन रुककर प्याज की नीलामी शुरू करते हैं, जिसके चलते अगले दिन आने वाली आमदनी में बढ़ोतरी का असर भी कीमत पर पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्याज उत्पादक संघ के नेता ने मांग की है कि प्याज की नीलामी रोजाना फिर से शुरू की जाए। वहीं महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि सोलापुर बाजार समिति जिस तरह से आवक बढ़ने का हवाला देकर मंडी बंद कर रही है, उससे प्याज उत्पादकों को दोहरा नुकसान हो रहा है, क्योंकि मंडी में आवक ज्यादा बोलकर 1-2 दिन के लिए नीलामी बंद की दी जा रही है, फिर जब दूसरे दिन मंडी खुलती है तब समिति की तरफ से ये बोला जाता है कि आवक बहुत ज्यादा है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं होता था। किसानों से कम दामों पर प्याज खरीदा जाता है, जिससे किसानों को ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। भारत दिगोले कहते हैं कि प्याज संघ की मांग है कि मंडी रोज खोली जाए, और संगठन ने इसके लिए मंडी प्रबंधन को एक पत्र भी लिखा है। इसमें कहा गया है कि सोलापुर बाजार समिति में पिछले कुछ दिनों से प्याज की रिकॉर्ड आवक हो रही है। प्याज की इतनी बड़ी आवक देखना सोलापुर के लिए गर्व की बात है, लेकिन बाजार समिति ने प्याज की आवक ज्यादा कहकर मंडी बंद करना शुरू कर दिया है, ये चौंकाने वाली बात है। संघ ने मांग की है कि वर्तमान में मंडी समिति में आने वाला प्याज खरीफ सीजन का लाल प्याज है। इस प्याज की कटाई के बाद इसकी भंडारण क्षमता कम हो जाती है और किसान इसे ज्यादा समय तक खेत में नहीं रख पाते हैं, इसलिए इन प्याज की तत्काल बिक्री के लिए सोलापुर बाजार समिति काम करे। किसी भी हाल में प्याज की नीलामी प्रतिदिन चलती रहे। चूंकि सोलापुर मंडी समिति में आना वाला प्याज बोरियों में चुना जाता है और पैकिंग पद्धति में आता है, इसलिए इसे तुरंत मंडी समिति के बाहर भेजना भी संभव नहीं है। इसलिए सोलापुर मार्केट कमेटी द्वारा प्रतिदिन प्याज की नीलामी जारी रखने का अनुरोध संघ ने किया है, अन्यथा मार्केट कमेटी के खिलाफ किसानों ने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।